अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने नायक का हॉल बताई हूँ, कैसे मैंने पहली बार खाना बनाई हूँ, चॉकलेट्स बनाई हूँ, तो वो सब कुछ बताई हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते साथ ही मैंने चॉकलेट बनाई थी, जो कि मैंने नॉर्मल मिल्क कंपाउंड ले ली थी मोर्डे का, और डबल बॉयलर करके मैं उसमें जस्ट पिघाल रही थी। तो इस तरीके से मेल्ट हो चुकी थी मेरी चॉकलेट, अब उसको डालना था मोल्ड में। मैं दो टाइप के मोल्ड लेके आई थी, अल्फाबेट्स एंड हार्ट वाला। इसके अंदर बस मेल्ट करके आपको उसके अंदर चॉकलेट डालनी पड़ती है और फ्रीज़ करना पड़ता है, एंड ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। मैंने मिल्क कंपाउंड ली थी, इफ़ यू गाइज वॉन्ट आप लोग डार्क कंपाउंड ले सकते हो। उसके बाद मैं नीचे गई और मैं सारा सामान लेने के लिए गई थी, एंड नुमान को सरप्राइज़ देना था तो मैंने उसे नहीं बताई। पहले मैं गई हयात केमिस्ट, वहाँ से मैंने नटेला चिप्स वगैरह ली, फिर मैं गई केक वॉक जहाँ के केक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद मेरा नायका का तीनों भी पार्सल आ गया था तो मैंने सोची उसको खोल देती हूँ और व्लॉग में डाल देती हूँ। और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया क्योंकि मैं ऑलरेडी दुबई से बहुत कुछ खरीद चुकी थी मेकअप में, और फिर मैं फिर भी दुबई में बैठे बैठे यहाँ से ऑर्डर कर रही थी। पहले तो एल्फ के दो सेटिंग स्प्रे लाइक एक बाय वन गेट वन फ्री पे था तो मैंने ये मंगवाया। उसके बाद मैंने L18 की लिपस्टिक्स, रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर मंगाए बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिव्यूज़ थे। के ब्यूटी का सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर, ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन, एंड मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन जो कि बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने मेरा फेवरेट फाउंडेशन मंगाई, जो मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, आई एम इन द शेड 112। और फिर एल्फ का मैंने ब्राउ जेल एंड लिपस्टिक वगैरह सब मंगा ली थी, एंड इट्स सो गुड। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं, खाना बनाने की बात आती है तो उसके लिए ये मैं पहली बार कुछ बना रही थी तो मैंने सोचा पुलाव बनाती हूँ बिकॉज थोड़ा ईजी भी है। सबसे पहले मैंने ऑयल में आलू को डाल के फ्राई कर ली थोड़ा सा, उसके बाद मैंने सारे गरम मसाला, ऑनियन, टमेटो, दही, चिकन सबको अच्छी तरीके से डाल के मिक्स करी। अब वो मिक्स होने के बाद मैंने लास्ट में फिर आलू को डाल दिया बिकॉज़ ये थोड़ा कच्चा था। उसके बाद लिड लगा के मैंने उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दी, एंड थोड़ा बहुत बन गया था। उसके बाद मैंने चावल एंड पानी डाल के ख़त्म कर दी। फिर मुझे इमली की चटनी बनानी थी, पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने जैगरी, इमली एंड ऑनियन को अच्छे से लेके उसे मिक्स करी। उसके बाद उसमें धनिया एंड लाल मिर्ची डाल के, बहुत ईजी है, सबको मिक्स कर दो, एंड इट्स डन। तो फाइनली पुलाव बन चुका है गाइज, बिल्कुल भी जज मत करना, ये पहली बार मैंने बनाई हूँ लाइफ में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बना, मैंने टेस्ट क्यों है। एंड इसके साथ मैंने बनाई हूँ इमली की चटनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आधी चीज़ें मैंने सेट कर ली हूँ, इसमें मुझे डेकोरेट करना है और इसे भी मुझे डेकोरेट करना है, तो अभी बहुत सारा काम है। एंड फाइनली डन हो चुका है सब कुछ, एंड बस अब मैं वेट कर रही हूँ नुमान आने का। मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से निकाल के इसको प्लेस कर दी हूँ। फिर खाने के लिए सबसे पहले तो ढाबा स्टाइल चना एंड चटनी है, उसके बाद ये है एक फ्रूट प्लेटर, ये चिप्स प्लेटर है, ये केक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जूस वगैरह है, और ये स्टार ऑफ द शो ऑफकोर्स पुलाव जो मैंने बनाई हूँ बहुत मेहनत से। एंड फाइनली इतना वेट करवाने के बाद नुमान को मैंने बुला ली, उसको कोई आइडिया नहीं था ये सब कुछ हुआ है। हाउ इज इट नुमान? इतना अच्छा लग रहा है, इतना जबरदस्त लग रहा है, खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ। अच्छा हाँ, That's so cute. Sorry for that. Also, फिर हमने केक कट किया एंड नुमान जस्ट लव द केक गाइज। ये केक वॉक का केक है, इट वॉज फरेरो रोचर केक, और ये बहुत अमेजिंग था। एंड लास्टली ये चॉकलेट जो कि मैंने बनाई थी और मैं भूल गई थी निकालने। फिर रात में 5 बज गए थे तो हमने सोचा एक ड्राइव पे जाते हैं विद फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे ये बहुत अमेजिंग सिंगर्स मिले हमें। फिर नेक्स्ट डे हमें मूवी जानी थी तो फ्रेंड्स एंड हम लोग सब गए मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने 1 से लेकर 9 नहीं देखी बट मैंने 10 ऑफकोर्स देख ली हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग विल बी सुपर सून।